हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्यूब। ये एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल है जहाँ पे यू विल फाइंड यूजफुल मटेरियल रिलेटेड टू यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स, एसएससी, आईबीपीएस, बैंक पीओ, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ये मटेरियल सारा हमारी लर्निंग क्यूब टीम के एक्सपर्ट्स ने बनाया है आफ्टर डूइंग रिसर्च फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वेबसाइट्स, मिनिस्ट्री वेबसाइट्स और बाकी और रिसोर्सेज से। सो फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल जो कि आपकी प्रिपरेशन में हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे वीकली करंट अफेयर सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। फ्यूचर में हम जनरल नॉलेज रिलेटेड, बेसिक इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रिलेटेड और भी मटीरियल लाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी और स्मार्ट वे में आपकी प्रिपरेशन हो सकेगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ये वीकली करंट अफेयर सीरीज़ में हमारे फोकस एरियाज रहेंगे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, पर्सनालिटी इन न्यूज़, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन कल्चर, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स, स्टेट्स में जो भी करंट अफेयर्स रहेगा, स्टेट्स की स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, वो सब इसमें रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी स्टाफ? रिसेंटली इंडियन आर्मी स्टाफ के नए चीफ अपॉइंट हुए हैं। द राइट आंसर इज ए, बिपिन रावत। चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी स्टाफ इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एंड जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज होते हैं, जिसमें मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स तीनों विंग्स आ जाती हैं। और इंडियन आर्मी स्टाफ का ऑफिस जो होता है वो होता है साउथ ब्लॉक, रायसेना हिल्स में। कभी कभी बैंक पीओ के एग्जाम्स में, आईबीपीएस एग्जाम्स में ये इन्फॉर्मेशन भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज On the eve of New Year, Prime Minister of India increased allowances limit for pregnant ladies up to New Year 31st December की शाम को Prime Minister of India ने कुछ announcements किए थे। ये announcement का एक separate video हम लेके आएंगे आपके सामने, जो नई schemes और जो भी इसमें announcement किए थे वो सारी detailed information होगी, वो learning cube team आपके लिए एक separate video में लेके आएगी। फिलहाल के लिए Prime Minister of India ने allowance limit pregnant ladies के लिए increase किया था, तो इसका सही आंसर है बी, 6000। प्रेजेंटली ये 4000 है, जो कि सिर्फ 53 डिस्ट्रिक्ट्स में एज अ पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अब ये इसकी लिमिट इंक्रीज कर दी गई है 6000, और इट कवर्स द होल कंट्री। नेक्स्ट इज, रिसेंटली गोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट में एक माइन कोलैप्स हुई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हुई थी, तो वो कौन सी माइन्स है? इसका सही आंसर है बी, कोल माइन। नेक्स्ट इज, इंडिया रिसेंटली टेस्टेड अग्नि 4th फ्रॉम अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड। ये पहले इसका नाम व्हीलर आइलैंड था, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने आफ्टर डेथ ऑफ आर फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर अब्दुल कलाम, उनके नाम पे, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम पे कर दिया गया है। ये उड़ीसा कोस्ट से लगभग 15-20 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ये आइलैंड आता है। तो वो जो अग्नि 4th मिसाइल जो रिसेंटली टेस्ट की गई थी, वो कौन सी कैटेगरी में आती है? द राइट आंसर इज बी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और इसके कुछ फीचर्स हम और देख लेंगे। ये मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO। इसकी कैपेसिटी 1 टन वॉरहेड है, जो कि 1000 किलोग्राम के बराबर होती है। ये अपना 1000 किलोग्राम न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है, अप टू रेंज ऑफ 4000 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, इंडियन ओरिजिन एक ब्रिटिश प्रोफेसर है जिनका नाम शंकर बालासुब्रमण्यन है। रिसेंटली उनको नाइटहुड मिला किस काम के लिए? सो द राइट आंसर इज बी, सोलेक्सा सिक्वेंसिंग। ये एक नई DNA सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी है, और जो नाइटहुड होता है दैट इज़ हाईएस्ट ऑनर जो क्वीन एलिजाबेथ देती है UK में अपॉन एनी इंडिविजुअल। ऑल्सो अवार्डेड टू रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन उन्होंने 1919 जलियांवाला बाग ट्रेजिडी के बाद यह अवार्ड रिनाउंस कर दिया था। नेक्स्ट इज, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन फॉर हज पिलग्रिमेज? रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा सी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। माइनॉरिटीज़ हमारे इंडिया में 6 माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, ज़ोरास्ट्रियंस एंड जैन्स। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नेक्स्ट इज, हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज UPSC चेयरमैन? राइट आंसर इज डेविड आर सेम्बलिया। UPSC चेयरमैन है that is always appointed by the President of India according to Article 316 of Indian Constitution. और Indian Constitution में UPSC establishment पे भी एक article है under Article 315.
or UPSC chairman holds office for 6 years or the age of 65 years, whichever is earlier. Next is, which one of the following bodies is not a constitutional body? ये question learning cube team ने इसलिए रखा है क्योंकि इन bodies में से सब कोई ना कोई recently news में था. तो इसका सही answer होगा friends Central Bureau of Investigation D. ये एक executive body है जो कि executive resolution से बनी है. Election Commission of India news में recently इसलिए था क्योंकि इसने 5 states के dates election dates recently announce किए हैं. Next is, which state government launched NTR Arogya Raksha scheme? The right answer is B, Andhra Pradesh. According to this scheme, it provides medical treatment to the people above poverty line aur iska jo premium hai wo hai 1200 rupees per annum. Next is, when is the World Braille Day celebrated? Iska sahi answer hai C, 4th of January to mark the birth anniversary of Louis Braille. जो फाउंडर हैं ब्रेल लैंग्वेज के, ब्रेल लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो बेस्ड ऑन डॉट्स ऑन पेपर. रिसेंटली जो हमारे 500 और 2000 के नए नोट आए हैं वो भी ब्रेल इनेबल्ड हैं. नेक्स्ट इज, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च स्वच्छ सर्वेक्षण 2017? सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है और ये 500 सिटीज़ में होगा जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख और उससे अधिक है और इसका फीडबैक नंबर होगा 1969. कभी कभी फीडबैक नंबर के क्वेश्चंस भी एसएससी और बैंक पीओ में पूछ लिए जाते हैं. और जो सर्वे 2016 में हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट मैसूर वॉज द फर्स्ट सिटी एंड चंडीगढ़ वॉज द सेकेंड सिटी इन द क्लीनलीनेस. नेक्स्ट इज, रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक नया ऑर्गन डिस्कवर किया है मिसेंट्री, वो कौन से सिस्टम में एग्जिस्ट करता है जो कि 79th ऑर्गन होगा? इसका सही आंसर है डाइजेस्टिव सिस्टम. और फ्रेंड्स आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मिसेंट्री कहाँ पे एग्जिस्ट करता है बॉडी में. नेक्स्ट है, रिसेंटली एक PSU को कैबिनेट अप्रूवल मिला है फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ 26% इन इक्विटी शेयर्स, वो कौन सा PSU है? द राइट आंसर इज डी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड. रिसेंटली जो गवर्नमेंट की होल्ड है उसमें 54% है और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट अपना मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो कि मोर देन 51% डाइल्यूट कर देती है. तो गवर्नमेंट अगर 26% वापस दे देगी इक्विटी शेयर तो ये लेस देन 51 हो जाएगा. नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट चाइनीज फोन मैन्युफैक्चरर ब्रांड? ये लर्निंग क्यूब टीम ने क्वेश्चन इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, अकॉर्डिंग टू दैट चाइनीज़ फ़ोन मैन्युफैक्चरर ब्रांड का जो इंडियन मार्केट कैप्चर है वो मोर देन 50% हो गया, विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट. तो इसका सही आंसर होगा, जो कि चाइनीज़ ब्रांड नहीं है, इसका सही आंसर है डी, सैमसंग. सैमसंग एक साउथ कोरिया का ब्रांड है, बाकी सब चाइनीज़ ब्रांड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड गॉट एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ जावर माइंस. जावर माइंस कहाँ लोकेटेड है? ये प्रोजेक्ट है 1200 करोड़ का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है. ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है राजस्थान, बी राजस्थान में. नेक्स्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉलेस्ट सोलर टावर कहाँ बन रहा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए, इसराइल. ये नेगेव डेजर्ट है इसराइल में, उसमें बन रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम है आशलीम प्रोजेक्ट. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2017 वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली? जो वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज हुआ है दिल्ली में उसका थीम क्या है? द राइट आंसर इज ए, मनुषी, बुक्स रिटन एंड बाय वुमेन. नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड गुड समरितन पॉलिसी? द राइट आंसर इज ए, दिल्ली. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी द पीपल हु हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स विल बी गिवन 2000 रुपीज एंड ऑल्सो अर्न अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट. Next is, which city organizes International Kite Festival every year? The right answer is C, Ahmedabad. Agla hai, who recently took over as 9th Secretary General of United Nations? The right answer is D, Antonio Guterres. He was the former Portugal Prime Minister and took over as Secretary General on 1st of January 2017. Next is, which country became the first one to provide basic salary to its unemployed citizens? The right answer is C, Finland. Next question hai, the book The People's President APJ Abdul Kalam is written by
The right answer is B. SM Khan. Next is, recently 2017 Bharatiya Pravasi Divas organized kiya gaya tha. Iska theme kya hai? So friends, iska theme hai D. Redefining engagement with Indian diaspora. Ye Pravasi Divas hamesha 9th January ko celebrate kiya jata hai to mark the Gandhiji's return from South Africa. Next hai, which country became the first one to switch off the FM radio service? The right answer is A. Norway. Recently, Norway Parliament ek legislation laya for digital audio broadcasting, jisme ki FM signals jo digital signals mein convert karke fir transmit kiye jate hain. To ek nayi technology hai. Next hai friends, hamara personality in news section. Usme sabse first hai Shweta Prabhakaran. She is a 16-year-old girl and she is picked by US First Lady for her education campaign. Next, Anil Baijal. He is recently been appointed as 21st Lieutenant Governor of Delhi by President of India. Next, Virat Kohli. Virat Kohli news mein isliye rahe because he was recently named as Captain of ODI and T20 team of Indian cricket. Next hai Savitri Bai Phule. Ye news mein isliye rahe kyunki Google ne inko recently honor kiya hai on her 186th birth anniversary. And she was 19th century social reformer jo ki women empowerment mein bahut bada role unhone play kiya. Next hai Novak Djokovic. He was recently in news because he won Qatar Men's Open. Next hai Om Puri ji, jinka recently dehant ho gaya tha aur unhone apne film career mein 2 national awards jeete hain. ये नेशनल अवार्ड्स के क्वेश्चन कभी-कभी एसएससी और बैंक पीओ के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं. नेक्स्ट है अब्दुल आलिम जफर खान. ही वाज सितार म्यूजिशियन. ही रिसेंटली डाइड एंड ही हेल्ड फ्रॉम इंदौर गराना. ही वाज नोन फॉर हिज जफर खानी बात. सो फ्रेंड्स, थैंक यू. होप यू लाइक द वीडियो. सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल सो आप फ्यूचर में आने वाले वीडियो से अपडेटेड रहें. लर्निंग क्यूब विशेज यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू.